आज आपको दिखाएंगे भूसा बनाने वाली कंबाइन रिपर के स्थान पर गिलप्रीत वालों की जो निकाली हुई है कंबाइन गिलप्रीत 762 बिल्कुल पूरी तरह से इसकी बनावट है जो कंबाइन की तरह है, वही कंबाइन का कैबिन रील और पिछला हिस्सा स्पीड चेंजर इंजन क्लच प्लेट बिल्कुल सभी कंबाइन वाली है। और जो एक बनावट है इसकी देख सको आप, कैसे छोटी सी कंबाइन बना दी और ये तूड़ी बनाती है, तूड़ी बनाने की स्पीड देख लो आप कितनी ज़्यादा स्पीड है इसकी और बहुत बढ़िया काम कर रही है। लगभग 10.5-11 लाख रुपये कीमत है इसकी। पास से देख सकते हो आप इसको, इसकी स्पीड और करेंगे इसके ड्राइवर से बात है, जो कि एक ड्राइवर ऊपर चला रहा है, साथ में एक ट्रैली ट्रैक्टर रखना पड़ता है। ये भाई है इसका, क्या नाम है भाई साहब आपका? राम राम। अनेक दशक का कटर है, 12 फुट का कटर वाला है। और ये आप इसकी तूड़ी की परफॉर्मेंस देख सको, खेत की कितनी सफाई का काम कर रखा है, बिल्कुल डोल डाल का ऊपर को जिस तरह और रिपर छोड़ दें अपन ने, बिल्कुल साफ भी ये लगभग चलती तो रात तक होगी 2-2.5 बजे तक जी, शायद अभी लाने सुते हैं सवेरे तक चल रहा है रिपर था, मतलब घंटा 2 घंटा लेट तक बढ़िया काम कराया। और जैसे ही कंबाइन का पा हाई लो लगाते हैं, बिल्कुल हाई लो लगाया जाता है इसको, अब जैसे लो में कर लिए तो आपको देंगे ऊपर से जानकारी। कंबाइन की तरह इसको स्टेयरिंग को एडजस्टेबल कर सकते हो, आगे पीछे पैर वाली रेस है, उधर क्लच है, ब्रेक है, पैर वाली रेस है, डबल लीवर है और कैबिन इसका बिल्कुल कंबाइन की तरह बनाया गया, रील का कैबिन है, रील का लीवर है, अपना कटर वाल का है, किली रील का है, हाई लो, ये हाई लो हो गया, अच्छा हो गया, ये हाई लो हो गया पहले वाला, ये कटर वाल का हो गया, ये रील का हो गया, ये कैली रील का है, वो रेस है, मीटर देख सको आप, ये ऊपर से देख सकते हो, पूरी जानकारी देंगे इसके बारे में आपको। ये डीजल टैंक है इसका, डीजल टैंक कितने लीटर का है? 300 लीटर के लगभग, 350 लीटर के लगभग इसका डीजल टैंक है। और डीजल टैंक देख सको आप कितना बड़ा डीजल टैंक है इसका, यहाँ से लेके वहाँ तक है। और ये इंजन है इसका, तो भाई 4 सिलेंडर इंजन नहीं है इसका, 6 सिलेंडर इंजन है जो इस पर रखा गया है और पट्टी बंद इंजन है ये, यहाँ पर इसका शीशा लगाया गया है। भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ये हवा की सुविधा है बिल्कुल जैसे कंबाइन में टंकी फिट की गई है, ये भाई हवा मार रहे हैं साथ ही साथ में म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है इसके ऊपर। और जैसे कंबाइन को बैलो चंग होता है, देखो बैलो चंग लगाया गया है कंबाइन वाला, वो स्पीड चेंजर है नीचे, यहाँ पर फ्लैट हेडल है, पीछे पंप लगाए गए हैं, वो ट्रैली है। और ये हाई लो में आप स्पीड देख सकते हो कितने का चीज़ें चल रही है ये। ये पास से आप इसका कैबिन देख सकते हो बिल्कुल कंबाइन वाला, ये पैर वाली रेस लगाई गई है, डबल लीवर है, स्टीयरिंग एडजस्टेबल जैसे आपको दिखाया था, और विजिबिलिटी इसकी बिल्कुल कंबाइन की तरह, बार बार पीछे मुड़ कर देखने की लोड़ नहीं है। यहाँ पर इसका जो हाइड्रोलिक टंकी लगाई गई है, ये हवा वाली टंकी लग रही है, आपको उस साइड से भी दिखाएंगे। ये इसको लीवर लगाए गए हैं, जैसे कि ये लीवर आप देख रहे हो, ये फ्लैट लीवर है और एक दूसरा लीवर है बास्केट का, कम ज़्यादा बारीक चौड़ी बनाने के लिए। टूल बॉक्स है, पानी का कैंपर की सुविधा, पूरा सिस्टम, मतलब ऊपर खड़ने के लिए भी पूरी जगह दी गई है,
सब कुछ है। बाकी उस साइड से दिखाएंगे आपको, ये सीढ़ी थी इस पर चढ़ने के लिए। और इसमें जो है आम रिपर पे लगते हैं, जो रिपर पे बिल्कुल कामयाब है वो सिस्टम लगाया गया है कटर वाल को चढ़ाने के लिए। कटर वाल की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं है भाई, बिल्कुल भी। भाई बता रहे अपना दे है, क्योंकि भाई इसमें 6 सिलेंडर इंजन है, बड़ा इंजन है और कोई थकावट नहीं है। विजिबिलिटी की बात करें जो आप 2 लाइट ऊपर लाग रही हैं, 2 लाइट बीच में, हेडलाइट भी है इसका। स्पीड देखो बाकी, और अगर रिपर 12 बजे रुकते हैं रात को तो ये सुबह 4 बजे रुकता है भाई, इतनी दबाव नहीं मानता बिल्कुल भी। वो पीछे इसको जैसे ट्रैक्टर के लगाई जाती हैं हुक वगैरह लगाई गई है, लिफ्ट लगाई गई है और रेडिएटर है बिल्कुल जाली लगाई गई है ऊपर। मिलाते हैं आपको इस कंबाइन के ओनर से। राम राम भाई जी। राम राम भाई साहब। तो अपनी एक कंबाइन या? हाँ अपनी है भाई। कब ली थी जी आपने या? इसे सीजन लेकर आए हैं। कितना ही पड़ गई थी लगभग? साढ़े ग्यारह लाख की। कोई सब्सिडी सब्सिडी इसमें? ना इसमें अप्रूव नहीं हो रही भाई। तो भाई सब्सिडी अप्रूव नहीं हुई है इसमें। 11.5 लाख की कीमत बताई है भाई जी ने, इसके ओनर हैं जो इन्हें लेकर आए हैं गांव डोला से। और जो इसकी डीजल की खपत है मान ले ट्रैली के एवरेज निकालोगे 1 घंटे की? भाई हम तो पहले सुबह रे टंकी भरते हैं। अच्छा, और शाम में हमने एवरेज का अंदाजा लाया था, पूरी का हमने भरती नहीं। मुँह झूठ बोलना कोई फायदा नहीं, या एक यानी 8.5 क्विंटल तूड़ी आओ हमारी ट्रैली में। अच्छा जी, 8.5 क्विंटल तूड़ी में 3.5 लीटर तेल दे भाई, 3.5 मान ले एक ट्रैली में कह रहा हूँ, 3-4 का लगभग अंदाजा चल जाए, 3.75-3 लीटर है। आधा पौना लीटर तेल फालतू ले लिया भाई, 3-4 लीटर का अंदाजा अपनी एक ट्रैली में। हाँ हाँ भाई। और अगर बात करें आप 12 घंटे में कितने लगभग कितनी ट्रैली काट दे? हमने एक दिन देखी दिया दोपहर का टाइम था, एक घंटा के अंदर 3 ट्रैली पड़ती। 1 घंटा में 3 ट्रैली मतलब जी दौड़ा सुताई भी मई आएगी थी, 1 घंटा 5 मिनट लगी थी। 1 घंटा 5 मिनट में 3 ट्रैली निकाल दी इसने। जैसे भाई अपनी कंबाइन की अब लगभग एवरेज काटा तो 1 घंटे में 3 किले की एवरेज पड़नी चाहिए, जब जाकर पूरी बढ़िया दिहाड़ी पड़ा है उसे हिसाब तो इसकी भाई अपने 1 घंटा में 3 ट्रालियों की एवरेज आए 1 घंटा 5 मिनट में। और जिसमें टाइम लगा इसने ट्राली ने निकालना भी, यहाँ पर जोड़ा भी है सब समेत अंदर लगा कर। अपने पास मशीन भी है, विशाल की मशीन ले रहा हूँ मैं। तो क्या नाम है भाई जी का? रणदीप नाम है भाई। भाई रणदीप है, वो भाई डोला था, एक अपनी विशाल की कंबाइन ले रहा है। विशाल की कंबाइन आप पिछले साल भाई विशाल वाला 435 कंबाइन लेकर आया भाई। और यो जुगाड़ भाई यूट्यूब पर देखा लेकर आया, जुगाड़ तो गया ले कंपनी का ही सौदा है, गिलप्रीत वाले बलकार वाले पुन्नी वाले काफ़ी कंपनी बना रही है इसने। बाकी भाई ने गिलप्रीत का पसंद आया तो गिलप्रीत का लेकर आया। बाकी बात भाई इसमें मजा है पूरा, रिपर का बढ़िया मजा। रिपर तो लगभग कितने दिनों पहले चलाया था आपने, क्या तारीख ने चलाई दिया? नया 25 तारीख में 28 तारीख में चलाई दिया हमने, चलाई दिया शोरूम पल पल या अपना मतलब कि तीसरा महीने की 28 तारीख ने चलाई दी। 28 तारीख हम लगातार चला रहे हैं जी। तो अपना तीसरा महीने की 28 तारीख तक आप पलवल चले गए थे, वहाँ तक कितनी ट्राली बन गई? हमने 350 ट्राली निकाल गए। तो भाई 350 ट्राली भाई बना गया पलवल और उसके बाद यहाँ चलाई। हाँ ढाई रोज भी मामे लाले सुबह चलावा। हाँ हाँ रात ने 2 बजे भी रोक दिया, 3 बजे भी नु है, आदमी ने भी सोना खाना हुआ है। हाँ हाँ उधर वैसे सब रात चलाए जाओ मतलब हम रोज भी चला कदे 45 कदे 48 45 चाली बनाया करो। तो भाई लगभग वहाँ से आने के बाद यहाँ पर डेली ये जो अपनी कंबाइन है भूसा बनाने वाली 40 से लेकर 50 ट्राली के बीच में एक दिहाड़ी में निकाल रही है, 45-50 कभी 48 कभी 44 भाई जी। जब बढ़िया लान होनी सुतरा लान हो एक जगह सेट ट्राली बनाई दी भाई जी। तो भाई का कहना ये हुआ भाई अगर एक जगह इकट्ठी चला और बढ़िया सुतरा लाना तो भाई 60 ट्राली एक दिहाड़ी में बना देगी आराम से। तो प्रॉफिट का सौदा अगर भाई कोई अपनी वीडियो देख रहा है तो अगर लेना चाहवा कंबाइन तो बढ़िया काम करा, बढ़िया बच्चा था इसमें मतलब भाई का कहना ये भाई अगर आप 25 लाख की कंबाइन लेवा और 11.5 लाख का यो लेवा तो सीजन में यो अपना ज्यादा बचत काट का देवा कंबाइन का मुकाबला उसमें। भाई जी
ਐਪਲ ਹੋਰੀ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਤ ਯਾ ਇਹ ਲੋਕ ਨੂੰ ਰੀਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵਾਦ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਵਜੇ ਰੁਕ ਜਾ ਰੀਪਰ ਹਾਂ 11 ਵਜੇ ਰੁਕ ਜਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਮ 2-3 ਵਜੇ ਲੱਗ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਯਾ ਵੀ ਬਾਤ ਆ ਬਾਈ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰੀਪਰ ਦਾ ਉਹ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦਾ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਮੈਂ ਬਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਆਇਓ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪ ਨਾਮ ਨੰਬਰ ਬਤਾਇਓ ਜੀ ਆਪਣਾ 94162 94162 89 है बाकी स्क्रीन पर चल रहा नंबर अपना दिख भी रहा होगा अगर कोई भी लेना चाहता हो तो इसका ओनर तक बात कर सके भाई कितनी कीमत है के सिस्टम है डीजल का चलान का सब सिस्टम आपने बतावागा पहले सीजन का भाई का बहुत ज़्यादा खुशी है ये लेकर और काम भी बहुत बढ़िया निकाल रही है एक कंबाइन भी है भाई पे दोनों ही कंपेयर करें तो भाई का भाई इसमें जो अपना तूड़ी वाला सिस्टम है कंबाइन है इसमें बचत ज़्यादा इस गला भाई जी हमें ज़्यादा तो मैं कहीं बताऊँगा 1000 ट्राली निकाल जाएंगे अच्छा जी कितनी होगी लगभग अपनी दोनों जगह मिलाकर मन लागा हमारी 7 साल हो जा रही होगी भाई सीजन की पलवल की और गांव डोला की मिलाकर लगभग 700 ट्राली भाई का अनुमान है निकाल दी चलो 20-30 ट्राली ऊपर नीचे भी हो सका है और जैसे कि अभी आप देख सकते हो काम बहुत है यहाँ पर लगभग काफ़ी दिन और चलेगा आज ही कंबाइन बंद हुई है बाकी कंबाइनों का भी थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं लगभग 300-400 ट्राली और निकाल देंगे तो 1100 ट्रालियाँ का अनुमान है बाकी आप लगा सको इसकी बचत का बारह पता इस पर कम से कम 2 ट्रैक्टर तूड़ी की ट्राली ढोने के लिए और 3 ट्राली इसके साथ में चाहिए जैसे आप देख रहे हो एक ट्राली पीछे जुड़ चुकी है एक उधर खड़ी है और एक ये भाई लेके चले गया है तो बहुत प्रॉफिट का सौदा जो भाई कंबाइन लेने की सोच रहे हैं एक बार अपना मन बना ले तो देखें आगे हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद ऑपरेटर है क्या था क्या चलाओ प्रधान है सवेरे 8 बजे तक लेकर रात को 11 बजे तक है ड्यूटी है भाई की है दोपहर ना खाना खुना ले लो कोई बंदा बैठेगा ऊपर कौन सा काम है भाई का तो भाई पंजाब का ड्राइवर है इसका राजपुरा गांव का और फुल ड्यूटी लगा रहे हैं इस पर तो कैसी परफॉर्मेंस आपने चलान में बढ़िया है चलो आप मालिक ने भी बताया आप था भाई बढ़िया प्रॉफिट का सौदा जो अगर कोई भाई लेना चाहवा तो बाकी नंबर भी दे दिया आप था कोई जानकारी चाहिए तो अपना मालिक वीर का नंबर स्क्रीन पर चल रहा आप उस तक पूछ सको उसके बारे में वीडियो देखने वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद भी सुन लो के कहना चाहवा रिपर रोक दिया इस बात का बारे में हाँ जी प्रधान जी मान लो इतने रुपये आदमी लाश का है नहीं तो रिपर ने भूल जाओगे अच्छा जी हमारी भी अच्छा जी और मैं लाल तीन चार राखू में ट्रैक्टर है ठीक है जी हाँ रिपर तो याद नहीं आंदी इस बात से अच्छा जी हाँ रिपर मैं तो अंडा बंडी ज़्यादा आई ज़्यादा मज़ा ज़्यादा दे तो भाई जी का लास्ट बार भाई यह कहना है भाई आप सारे साधन भूल जाओगे जो आप भाड़ा कराया करो अगर यह ले आए एक बार देख लो भाई अपना भूलने का मतलब इसमें प्रॉफिट ज़्यादा और साधना तो लेकर जिस तरह के भाई ने रिपर का गया कंबाइन का गया तो भाई इसका प्रॉफिट ज़्यादा रहा अपना भी समझ रहा है इसका सीजन भाई शुरू में चल रहा है कंबाइन तो काफ़ी दिन बाद तक चलता रहा है तो 1100 ट्रालियाँ का लगभग भाई का अनुमान है भाई 700-750 ट्राली बना दी और बाकी बहुत ज़्यादा एरिया भी खड़े हैं इधर कंबाइन भी चल रही है फिलहाल तक तो और काफ़ी ट्राली अभी 100-150 ट्राली और बना देगा बाकी शाम का टाइम है